ये मंडप नहीं है, बाबू साहेब और हमारे रिश्ते की चिता है। हम अपन प्यार को तिल तिल कर मरते देखे हैं, आप कहो कि चेता जलते हुए देखे, इतना दर्द काहे से है, हम यहाँ कहाँ कर रहे थे। चलिए मिलिए, इंदी रुको। रो तो ऐसे रहा है जैसे तेरी विदाई होने वाली है। आज माँ से विदा नहीं लेकी इमली, क्यों भाग रही? अगर ये शादी होते नहीं देख सकती तो रोक देना इसे। मैंने तुझे कभी रोका नहीं आती, कभी अपने उसूल अपने सपने तुझ पे नहीं थोपे, कभी तुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनने को नहीं कहा, कभी तुझे जल्दी घर बसाने को नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपनी परवरिश पे भरोसा था। मुझे भरोसा था कि मेरा बेटा गलती करने से खुद को रोक सकता है, और अगर गलती हो जाए तो वो उससे सीख सकता है। आज तू अपनी गलती फिर से दोहराने जा रहा है, लेकिन आज भी मैं तुझे रोकूंगा नहीं। ऐसा तुझसे क्या कह दूंगा जो तुझसे ये तेरे आंसू चीख चीख कर नहीं कह रहे। तू मेरी मत सुन, अपनी मां की मत सुन, अपने आंसू की दुआई तो सुन ले। ये आखिरी मौका है आदि, अब हमारी बात का सुनत है, सिर्फ ताने कसत है हम पे, कैसे कैसे लांच लगावत है हम पे। तू सच बता देना उसे, बता देना कि तू उसी से प्यार करती है। एक बार तो लड़, तुझे तुझे तेरी अम्मा की, तेरी सीता मैया की, तुझे मेरी कसम इमली, एक बार लड़ जा प्लीज इमली, शादी को रोक दे, मेरे बेटे को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोक दे इमली, प्लीज मत जाओ। ये आखिरी मौका है इमली, इमली इमली जी जी हाँ, बाकी तैयारी हो चुकी है, बस बस आप आ जाइए। ओके जी 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 ओके बाय। मालिनी जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज इमली, शादी को रोक दे, मेरे बेटे को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से रोक दे इमली प्लीज, ये आखिरी मौका है इमली। का सच में ही हमारे खातिर आखिरी मौका है।
क्या बात है आदित्य? आदित्य, शादी का शुभ मुहूर्त है, ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना? नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते मालिनी, हम ये शादी नहीं कर सकते मालिनी, हम ये शादी नहीं कर सकते मालिनी। आप हमेशा से हमारी दोस्त रही है और हमेशा रहेंगी, लेकिन उससे बढ़कर हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हम अपने दर्द से लड़ नहीं पाए, इसलिए उससे बचकर भाग रहे थे, और भागते भागते आपके पास चले आए क्योंकि आप हमेशा हमारा साथ देती हैं। हम आपको इस तरह यूज नहीं कर सकते, ये गलत है मालिनी, हमारा आपसे शादी करना बिल्कुल गलत है। फिर से वही करते हैं हम, फिर से डर के भागते हैं। माँ ठीक है तो कह रही कि हम अभी तक कोशिश ही कहा किए हैं, आपका एक बार, एक आखिर बार आप रिश्ते के खातिर लड़े क्यों? I'm really sorry. हम हमेशा आपका साथ देंगे, बस एक पति बनकर नहीं। आप क्यों सॉरी कह रहे आदित्य? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए इमली से, हमेशा उसे ब्लेम करती रही जबकि गलती आप दोनों की थी। मैं आपसे इतना प्यार करती थी कि आपसे नाराज होना ही भूल गई। What is wrong with me? जब मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि वो शादीशुदा है तो मैंने क्या किया? अपना आत्मसम्मान पैक करके अपने घर चली गई, ना आपसे सवाल किया, ना आपको ब्लेम किया, यहाँ तक कि आपके फैसले को चैलेंज तक नहीं किया। लेकिन आज मैं जहाँ हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से आदित्य कुमार त्रिपाठी, ये जानते हुए भी कि आप मैरिड हैं, आपने मुझसे शादी की, मुझसे शादी करने के बाद आपने प्यार किसी और से किया, मुझसे दोबारा शादी करने का डिसीजन भी आपने लिया, और आज अपनी प्रेग्नेंट फियांसे को छोड़कर भी आप जा रहे हैं। और क्यों? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपका मूड बदल गया। Are you serious? Are you serious? कि हम जानते हैं आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानिए हमने हमेशा वही करने की कोशिश की है जो उस वक्त हमें सही लगा। Stop it, Aditya, stop it! ये सही होने का नाटक बंद कीजिए, मैं थक चुकी हूँ। आपके लिए काम पूजा थी और मेरे लिए प्यार, और मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थी कि मेरा प्यार प्यार है या दोस्ती। How stupid of me! मैंने आपको भगवान मान दिया था, आपको पूछती थी मैं आदित्य, आपकी हर गलती के लिए औरों को दोषी मानती थी, और हर रोज थोड़ा और बेटर समझने की कोशिश करती थी मैं आपको। और आपने क्या किया? मैं कुछ नहीं किया, और आज भी अगर आप अपनी गलती नहीं मानेंगे तो मैं क्यों मानूं? दर्द सिर्फ आपको नहीं होता है मिस्टर आदित्य कुमार त्रिपाठी, आपको पता है मैं कितने दर्द में जी रही हूँ, कितना दर्द रोज महसूस कर रही हूँ, यहाँ तक आने के लिए मैंने कितनी हदें पार की है आपको अंदाजा भी है। जाइए आदित्य, आप आजाद हो, आज से ना आप मेरे पति, न मेरा प्यार और न मेरे दोस्त, आज से आप मेरे कुछ भी नहीं है। चाहिए आदित्य, चाहिए और वो कीजिए जो आपको सही लगता है। I'll be fine. All the best. आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है, पर मैं वो करूंगी जो मेरे लिए सही है, मिस्टर आदित्य कुमार त्रिपाठी। सुंदर, इमली को देखा तुमने?
पता नहीं सर, हमें लगता है वो चली गई। चुप। फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्यों मैसेज ही कर देते हैं? गली के आगे के मंदिर पर आकर मिलो, हम सच में तुमसे बात करना चाहते हैं, हम मंदिर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। बाबू साहब से कहे हैं कहा फोन करते थे। अच्छा, तो ये है तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन की वजह। ये पूरा वेडिंग कवर नहीं हो जाता, तुम्हारा फोन मेरे पास रहेगा। तुम भी हमारे पास नहीं है। आदित्य इमली के साथ अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहता है। आई गेस मुझे इमली को उसका फोन वापस दे देना चाहिए। हमारे नहीं से शादी करने वाले। वैसे भी आजकल इमली के चेहरे से हंसी हटती नहीं है। इतनी खुश कैसे रह लेती हो इमली? मिस्टर राठौड़ ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि तुम्हारा दिल पत्थर ही हो गया? सबसे ज्यादा ना हम खुद से सॉरी बोले के चाहते हैं। पगड़निया में जबरदस्ती ब्याह हमारे भी हुए, हम बाबू साहब के साथ शहर तक आए तो फिर विश्वास का बोझ सिर्फ आपन कंधों पे काहे उठाए। यहाँ आए के बाद सब लोगन का दुख, सब लोगन का दर्द, सब लोगन की तकलीफ समझे, लेकिन आपन दर्द पे मलम काहे नहीं लगाए। बाबू साहब मालिनी दीदी को साथ देने के बाद हम वापस काहे नहीं लौटे पगड़निया? मालिनी दीदी को अपन सुहाग का सिंदूर तोहफे में देने के खातिर सॉरी इमली। घर में चुपचाप नौकरानी बनकर रह के कहते सॉरी इमली। आज हम सच में आगे बढ़े के चाहते। आप अपन पत्नी से बढ़कर मानने दीदी पर भरोसा किए, हम पर खूनी होने का इल्जाम लगा दिया, हमका घर छोड़कर जाए दिए, हमारी कामयाबी हर छोटी बड़ी जीत पर शक करने लगे, अपन शोक संदेश में एक कहकर हमारे चरित्र पर लांछन लगा दिए कि हम आपको धोखा दिए। सर नहीं बाबू साहब, कहे कि हम अपन आंसू और अपन दर्द की नुमाइश नहीं करी है, और अब हम और ज्यादा अपन हाल पे नहीं रोइए, काहे कि हम आगे बढ़े के चाहते हैं। अगर आप और रोए के चाहते हैं तो आप रोइए, लेकिन खुद से आके अपन आंसू पोंछे कि ना उम्मीद नहीं रखें, काहे कि वो हक अब आप खो चुके हैं। क्या आदित्य के साथ अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना इमली के लिए सही होगा? तो सारी गलत फहमियां दूर करने के चाहते हैं, और आज बाबू साहब आपको हमारी बात सुनने की होगी, हर बात सुनने की होगी। आज हम कौनों को खुद को रोके नहीं दिए। I'm sorry Emily, पर तुम इस आदमी के लिए नहीं रुक सकती। मैं अपनी फैमिली को इस आदमी की क्रुएल्टी से नहीं बचा पाया, पर तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा। आदित्य कुमार त्रिपाठी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे डिवोशन, तुम्हारा प्यार, ये सब तो क्या दुनिया की कोई भी अच्छी चीज डिजर्व नहीं कर सकता। नो इमली, इस बार तुम आदित्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। प्लीज यहां से बाहर निकालो।
आज तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जब तक ये शादी नहीं हो जाती तो अंदर ही रहेगी। आज चाहे जो हो जाए, आज चाहे हमें जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस शादी को हमें रोकना ही होगा। आदित्य और इमली सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आज ये शादी हो गई ना तो 3 जिंदगियां दोबारा बर्बाद हो जाएंगी। कोई कुछ भी कर लिया पढ़ना, जमीन आसमान एक नहीं होते। तूने इतनी कोशिश की तो क्या इमली रुकी? अगर वादी से सच में इतना प्यार करती है तो एक बार अपना अहम भूलकर आदित्य से बात क्यों नहीं करती? आप लोग ही बताइए, इस समय इमली है कहाँ? हम कहीं यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। वो साथी नहीं होते, हम कहाँ जाते? अमीर, हम कहीं यहाँ से बाहर निकालो। करो, हम कहीं यहाँ से बाहर निकाल दो। आधी भर इमली ठीक से सोच नहीं पा रही, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ करना चाहिए ना। आदि से बात करनी चाहिए, कोई ना कोई बहाना बना के शादी टालनी चाहिए। शादी कोई मजाक नहीं होती रूपी। आप लोग ये मत भूलिए कि मालिनी आदित्य के बच्चे की माँ बनने वाली है। आदित्य ने खुद कहा है कि वो मालिनी से शादी करना चाहता है, और इमली ने खुद डिवोर्स पेपर साइन करके आदित्य को भिजवाए। जब वो दोनों खुद अलग होना चाहते हैं तो हम लोग ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को आदित्य की उदासी, उसका अकेलापन दिखाई नहीं देता है क्या? और अगर हम लोग चाहे भी तो अनुजी हमें कुछ बोलने नहीं देंगे। हमने इस शादी पे इतना खर्चा कर दिया है कि अगर जरा भी ऊंच नीच होगी तो हमसे पाई पाई वसूल लेंगे। समाज बिरादरी में शादी इस तरह से नहीं टूटती रूपी। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आप ही बताइए भाभी जी, अगर आज अभी इमली मान जाए तो हम में से समाज बिरादरी के बारे में कौन सोचेगा? आदि की हरकतों की वजह से वैसे ही हमारे बारे में इतनी बातें करते हैं। और रही बात अनुजी की, तो उनके पैसे तो मैं घर गिरवी रख के भी लौटा दूंगा। अभी पैसा तो नहीं हमारे पास, लेकिन मेरे घर का प्रॉपर्टी का पेपर है। बस एक बार इमली माने तो सही। अरे पंकज, इतना आसान नहीं है जितना तुझे लग रहा है। अरे बात कब कितनी बिगड़ सकती है, इसका अंदाजा नहीं है तुझे? शुभ मुहूर्त का समय हो चुका है, वर वधु को मंडप में बुलवाइए। हम ये शादी नहीं कर सकते मालिनी। आप हमेशा से हमारी दोस्त रही है और हमेशा रहेंगे, लेकिन उससे बढ़कर हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये गलत है मालिनी, हमारा आपसे शादी करना बिल्कुल गलत है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।